जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी मेरे मित्रगण अच्छे होंगे। तो दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा खुलासा कर दिया है कि जिससे भारत के विरोधी काफी ज्यादा दहशत में आने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही होगा, भारत के पड़ोस में कुछ ऐसे देश हैं जो अपने जेट और स्टेल्थ ड्रोन को लेकर सातवें आसमान में उड़ते रहते हैं, और ऐसे देश अपने हथियारों के घमंड में चूर होकर भारत को भी आंखें दिखाने की कोशिश करते हैं, परंतु लेकिन इन्हें पता नहीं है कि भारत इनके पर्ख उतरना जानता है। असल दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है जिससे कई सारे दुश्मन देशों की हवा निकल गई है। दरअसल दोस्तों, मैं आप सभी मित्रों को बताना चाहूंगा, इस दुनिया में दो ही स्टेल्थ जेट माने जाते हैं जो कि अमेरिका के पास उपलब्ध हैं इस समय, और जिनमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अन्य जो इस श्रेणी के फाइटर जेट हैं, उनमें कुछ ना कुछ कमी आप सभी लोगों को मिल ही जाएगी। यहीं पे दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों ने एक कदम आगे चलकर ना सिर्फ स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने की दिशा में अपना कदम बढ़ा दिया है, बल्कि एक ऐसा फाइटर जेट भारत के वैज्ञानिक बना रहे हैं जिसे कि मौजूदा रडार सिस्टम से पकड़ना असंभव होगा। दरअसल दोस्तों, आज एक आर्टिकल निकल के सब लोगों के सामने आया है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप सभी लोग पढ़ सकते हैं, जिसके द्वारा जानकारी दी जा रही है कि भारत आने वाले समय में आने वाले एरो इंडिया 2023 के अंदर ने एक बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाले और स्टेल्थ अनमैन्ड हथियार का खुलासा। हाँ दोस्तों, अभी ने सही सुना, ये विमान होने वाला है जो कि फुल्ली लोड टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला है, और इस एरो इंडिया यानी 13 फरवरी के दिन जो ये शो होने वाला है उसमें इस फाइटर जेट का खुलासा होगा। साथ ही दोस्तों, इस आर्टिकल में ये भी जानकारी दी जा रही है, भारत का ये जो फाइटर जेट है HAL के STFE-25 इंजन के साथ उड़ान भरने वाला है, जो कि 25 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है। और दोस्तों, सबसे मजे की बात तो ये है कि इस फाइटर जेट को उड़ाने के लिए किसी भी पायलट की आवश्यकता नहीं होगी। ये जो फाइटर जेट है, ये अपने आप उड़ान भरने में और दुश्मन के ऊपर हमला करने में पूर्णतः सक्षम होने वाला है। और दोस्तों, बात करें इसके वजन की, तो वो करीब 5 से 6 टन यानी 50 से 60 क्विंटल होने वाला है। और यदि जैसे खबरों में बताया जा रहा है, एरो इंडिया 2023 में भारतीय वैज्ञानिक इस फाइटर जेट के ऊपर खुलासा करते हैं, तो भारत दुनिया के कुछ गिने चुने देशों के अंदर आ जाएगा जो कि इतने एडवांस और इतनी ज्यादा टेक्टिकल टेक्नोलॉजी वाले फाइटर जेटों को विकसित कर रहे हैं। और मैं अपने सभी मित्रों को बताना चाहूंगा, भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने कैट्स वॉरियर नामक हथियार को एरो इंडिया 2019 में सबके सामने प्रदर्शित किया था, इसीलिए एरो इंडिया 2023 में विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय वैज्ञानिक अपने इस महत्वपूर्ण हथियार को जरूर प्रदर्शित करेंगे। और इस स्टेल्थ फाइटर जेट वाली खबर इसलिए भी पक्की हो जाती है क्योंकि पिछले साल 2022 में जून के अंदर कुछ ऐसी खबरें निकलकर सामने आई थी कि ATA के जो वैज्ञानिक हैं वो ग्राउंड टनल टेस्टेड के अंदर किसी स्टेल्थ और अनमैन्ड हथियार की टेस्टिंग कर रहे हैं। बाकी जो भी खबर निकल के आएगी, मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी मित्रों को जरूर बताऊंगा। आप सभी का इस खबर पर क्या मानना है, कमेंट्स करके अपने वैल्यूएबल विचार जरूर बताइए। जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।